हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मधुरिमा जैन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे पैन में चीज़ बस पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और ये पिज़्ज़ा मैं विदाउट ईस्ट बनाने वाली हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, यहाँ पर मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 पिंच सोडा, ये खाने वाला सोडा है, यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी ली है, दही लिया है मैंने आटा गूंथने के लिए, यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल शिमला मिर्च ली है, जलेपेनो लिया है जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, यहाँ पर एक मैंने छोटा प्याज लिया था जिसको मैंने चौकोर काट लिया है, यहाँ पर मैंने फ्रोजन कॉर्न्स लिए हैं, आप फ्रेश भी कॉर्न ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, यहाँ पर मैंने श्रेडेड मोज़रेला चीज़ लिया है। अभी हम आटा गूँथेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये पिज़्ज़ा आटे से बना रही हूँ, गेहूँ के आटे से। तो मैंने एक परात में गेहूँ का आटा निकाल लिया है, अभी मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, अभी हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक मिला लेंगे। अभी हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा दही डालकर एक सॉफ्ट आटा बनाऊंगी। मैं आटे को एकदम सॉफ्ट बनाऊंगी। हम रोटी के लिए जैसा आटा गूंथते हैं, हम वैसा ही आटा बनाएंगे। अगर आप टाइट आटा बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए हमें रोटी जैसे गीला आटा बनाना है। मुझे आटा थोड़ा टाइट लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है और मैंने आटे को एकदम सॉफ्ट कर लिया है। मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे से नीड कर लिया है। हमारा आटा गूंथ कर तैयार है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। अभी हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर केचप लिया है, टोमेटो केचप लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा चिली सॉस मिला लिया है और हमारा घर पर बना हुआ तुरंत का पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को प्रीहीट कर रही हूँ मैं, तो मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। मैंने कढ़ाई पे ढक्कन बंद कर दिया है और इसके होल को मैं एक कागज़ से पैक कर दूंगी ताकि जो हीट है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए और पैन अच्छे से जल्दी गर्म हो जाए। तो मैंने इसको तेज आंच पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 15 मिनट के लिए। हमारा आटा भी फूल गया है, तब तक मैं अभी इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए और नीट कर लूँगी। आप आटे को अच्छे से नीट करें तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा और बिल्कुल बाजार जैसे बनेगा, और ये आटे का भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने आटे को अच्छे से नीट कर लिया है। मैंने इस पर थोड़ा सा पहले आटा लगा के इसको अच्छे से नीट कर लिया था, अभी मैंने इस पर थोड़ा सा तेल लगा के इसको थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अभी मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। देखिए, मैंने बड़ी लोई बनाई है और एक मैं छोटी लोई बनाई है, देख सकते हैं आप। मैंने एक ये बड़ा बनाया था और पहले मैंने एक छोटी लोई बनाई थी, 2 साइज़ की मैंने बॉल बनाई है। अभी मैं छोटी वाली बॉल को थोड़ा सा मक्की का आटा मैंने सरफेस पे डाल के इसको थोड़ा बेल लूँगी मैं। मैंने इसको बेल लिया है, अभी हम इसको सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक तवा गरम किया है, तवे पे मैं इसको सेक लूँगी। हमें बस इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सेकना है, हमें एकदम रोटी जैसे नहीं सेकना है, हम इसको हल्का हल्का सेक लेंगे दोनों साइड से। अभी मैं दूसरा बड़ी वाली लोई को बेलूँगी। तो मैंने सरफेस पे फिर से थोड़ा सा मक्की का आटा लगा लिया है। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं हो तो आप थोड़ा सा रवा और थोड़ा सा आटा डस्ट करके भी इसको बेल सकते हैं।
देखिए मैंने इसको बेल लिया है, ये मैंने अपने टिन प्लेट के साइज़ का बेल लिया है। मैंने प्लेट पे थोड़ा सा तेल लगा दिया है, अभी मैं इसको उस पर रख दूँगी। दोस्तों आप तेल को ज़रूर लगा दें आपके प्लेट पर, अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो जब आपका पिज़्ज़ा बन जाएगा तो उसमें ही चिपक जाएगा और वो निकलेगा नहीं, इसलिए आप उसमें वो ज़रूर लगा दें तेल। अभी मैं इसको कांटे से थोड़ा सा छेद कर दूँगी ताकि ये फूले नहीं, नहीं तो ये रोटी जैसे फूल सकता है जब हम इसको बनाएंगे। इस पर यहाँ पर मैंने चीज़ थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। आप थोड़ा और भी कर सकते हैं अगर आपको चीज़ बहुत पसंद हो। अभी मैंने इसके ऊपर रोटी रख दी है जो मैंने अभी पहले सेकी थी, अभी हम इसको पैक कर देंगे, चिपका देंगे अच्छे से। मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया था, अभी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। अभी मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूंगी, मैंने बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। अभी हम इसके ऊपर अपनी कटी हुई कैप्सिकम रखेंगे, शिमला मिर्च रखेंगे। मैंने यहाँ पर लाल, हरी और ऑरेंज शिमला मिर्च यूज़ की है। अगर आपके पास है तो आपके पास ऑरेंज और रेड शिमला मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्याज और उसके साथ टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटे हुए प्याज भी रख दिए हैं, उसके ऊपर मैंने कॉर्न डाल दिए थे, थोड़ी सी मैंने चीज़ भी स्प्रेड कर दी है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अभी हम इसके किनारों पर दूध लगाएंगे। दोस्तों आप दूध ज़रूर लगाइएगा किनारों पर, अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी किनारी हो सकती है कि ये कड़क हो जाए, इसलिए हम दूध लगा देंगे। अभी हमारा पैन भी अच्छे से प्री हीट हो चुका है, ये बहुत गर्म है, आप सावधानी से इसमें रखें प्लेट को। मैंने रख दिया है, अभी हम इसको 10-15 मिनट के लिए तेज़ आँच पर बेक कर लेंगे। देखिए हमारा पिज़्ज़ा थोड़ा सा बनकर तैयार है, यहाँ पर चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, अभी हम इसको सावधानी से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको सावधानी से निकाल लिया, ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा बनता है और आप ये कभी भी बना सकते हैं पैन में और ये उतना नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि ये आटे से बना हुआ है। देखिए हमारा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। अभी मैं आपको एक काट कर स्लाइस भी दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और आप मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।